शुभम भ्राव्यामि दीपं तत्सव दर्शयामि भगवान श्याम सदाशिवाय बम बम महादेवाय नमः। नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर भोले की भक्ति में डूबे चाहे वह वासियों से रिलेटेड है, आम लोग के भोले की भक्ति में डूबे हुए हैं। साथ ही जिले के पदाधिकारी खासकर उपायुक्त एवं डीएफओ ने पहली सोमवारी को की मोती झरना धाम में पूजा अर्चना किया है। सावन की पहली सोमवारी को भगवान शिव के भक्तों का रेला शिवालयों में उमड़ पड़ा है। भक्त चाहे आम हो चाहे खास, सभी बम भोले की पूजा अर्चना में लीन देखे गए। वहीं जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव एवं जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार तिवारी ने बाबा मोतीनाथ धाम यानी मोती झरना में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने पूजा अर्चना आम भक्तों की तरह झरना की गुफा में अवस्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक कर किया। इसके अलावा साहिबगंज जिले के मिनी बाबा धाम के रूप में मशहूर शिव गादी में भी भक्तों का रेला देखा गया। मोती झरना में उपायुक्त ने पूजा अर्चना के बाद क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार की स्टार अभी तक साहिबगंज। पवित्र श्रावण मास का पहला सोमवारी है। जिले के सभी शिवालयों में शिव भक्त जलार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। मैं जिला प्रशासन की ओर से उन सभी का स्वागत करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं कि सभी जहां जहां हमारे शिवालय हैं, चाहे शिवगादी हो, मोतीनाथ धाम हो, चाहे अन्य जो शिवालय हैं वो हो, सभी पे हम लोग अच्छी व्यवस्था बनाए रखेंगे और सभी भक्तों को जो देवतुल्य श्रद्धालु हैं, जो मंदिर पहुँच रहे हैं, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। मैं उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिव उन पे कृपा बनाए रखे। लोगों ने पिछले साल बहुत सारी योजनाएं ली थी, अभी कुछ में काम चल रहा है, कुछ में काम स्टार्ट नहीं हुआ है। मेनली यहाँ पे पत्थर ऊपर से गिरता है क्योंकि बरसात के समय पानी आता है और कुछ अनुमान भी कुछ कुछ ऊपर से पत्थर कभी कभी गिर जाता है, उससे दुर्घटना होने का चांसेस है। तो उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे जाल लगाने का व्यवस्था किया है, अभी कुछ समय में उसका काम भी शुरू हो जाएगा। और अन्य भी जो चीज़ें हैं जो सुंदरता के लिए की जानी है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे पर्यटन से हो, चाहे जिला प्रशासन किसी फंड से हो, वो शुरू हो जाए। मैं उपायुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे मोतीनाथ धाम में उसने अपना समय दिया, आकर के मेला का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना किया और हमारे समाज के लिए, हमारे भक्तगणों के लिए उसने आभार प्रकट प्रार्थना किया कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको कमेटी के तरफ से उसको ध्यान में रखा जाता है। हर विधि व्यवस्था को देखते हुए चारों तरफ हमारे कमेटी के लोग निगरानी करते हैं ताकि हमारे बिहार, बंगाल, झारखंड से आए हुए श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो, किसी तरह का कष्ट नहीं पहुँचे। और सामाजिक तत्वों के द्वारा उनकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था की गई है। हर दृष्टिकोण से चारों तरफ CCTV लगाया गया है, चारों तरफ प्रशासन के लोग हैं, हर गतिविधि पर निगरानी रखा जा रहा है। भूत माला गले पर, मेरे मंगल माला गले।